हाय एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक औरत को सेटिस्फाइड करने में कितना वक्त लगता है, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मेल बॉक्स पे लगभग हर रोज ही कोई ना कोई मेल आता रहता है, पर घुमा फिरा के आता है। इसका एक ही आंसर है भाई कि घड़ी देख के कोई भी चीजें हम नहीं कर सकते, बिकॉज ये बात होती है इन्वॉल्वमेंट की, ये आपके अंदर की बात होती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंसर्शन प्रोसेस की, यानी कि जब आप इंसर्ट करते हो, स्ट्रोक टाइम जब शुरू करते हो, वो जो टाइमिंग होती है ना, वो सिर्फ 3 से 5 मिनट तक हार्डली होता है। इंडियन टाइमिंग की बात कर रही हूँ मैं एवरेज बात कर रही हूँ। वो 2 मिनट से शुरू होता है और 15 मिनट में ख़त्म होता है, बट एवरेज 3 से 5 मिनट का ही होता है। और अगर आप उस टाइमिंग की बात कर रहे हो जहाँ पे फीमेल को सेटिस्फाइड करना चाहते हो, तो मैं आपको एक सीधी बात बताऊँ जो कि जेन्युइन है, वो है कि फीमेल जो है ना, सिर्फ 20% ही फीमेल जो है जो वो स्ट्रोक से सेटिस्फाइड होती है, तो बाकी 80% फीमेल फिर किस चीज़ से सेटिस्फाइड होती है और उन्हें कितना वक्त लगता है। जब आप सोचते हो ना कि मुझे फिजिकल रिलेशन बनाना है, उस टाइम से ही आपकी बॉडी जो है वो प्रिपरेशन शुरू कर देती है। और ये भगवान की देन है कि लड़कों को अराउज होने में सिर्फ कुछ ही सेकेंड का वक्त लग सकता है, मगर अगर मैं फीमेल की बात करूँ ना, तो ये बायोलॉजिकली कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से फीमेल को थोड़ा वक्त लगता है अराउज होने में। और सेटिस्फेक्शन तो बहुत दूर की बात है, राउज होने में उसे थोड़ा वक्त लगता है। तो अगर आप वही वक्त उसे नहीं दोगे, तो फिर ये टाइमिंग जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, फिर किस हिसाब से कैलकुलेट करोगे। एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर, दोनों जब अराउज होते हैं, फोर प्ले करते हैं, जब आउटर प्ले करते हैं, दोनों जब कर्लिंग वगैरह, हगिंग वगैरह, किसिंग, हर चीज़ें में जब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो इन सारी चीज़ों में उन्हें काफ़ी वक्त लग जाता है। ये कपल टू कपल डिपेंड कर सकता है। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो, बात करूँ फोर प्ले की, इंसर्शन की, आउटर प्ले, हर चीज़ें वो बड़ी जल्दी जल्दी कर लेते हैं और इससे ही उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट कुछ कपल ऐसे होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उन्हें काफ़ी वक्त लगता है। किसिंग, कटलिंग, हंगिंग, सकिंग, लिकिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो स्टेप बाय स्टेप उन्हें करना पसंद है। ये उनकी फैंटेसीज होती है। फीमेल फैंटेसी अलग हो सकती है, मेल फैंटेसी अलग हो सकती है। कुछ लोग बड़े एक्सपेरिमेंटल होते हैं, हो सकता है कि उनका मेल पार्टनर नहीं है बट फीमेल पार्टनर है, फीमेल पार्टनर को एक्सपेरिमेंट्स पसंद है, अलग अलग पोजीशंस ट्राई करना, अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करना, किसिंग में उन्हें इन्वॉल्वमेंट होना पसंद है, उन्हें हग करना पसंद है, उन्हें लिकिंग पसंद है, या फिर उन्हें ओरल पसंद है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट बहुत सारी फीमेल ऐसी होती हैं जो नहीं बता पाती, नहीं जता पाती। आप अगर थोड़ी थोड़ा एक्सपोज करें, मदद करो, तो आप खुद देखोगे ये सारी चीज़ें जब आप एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो आपकी टाइमिंग जो है वो ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाएगी। और फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड करने में कितना वक्त लगता है, ये क्वेश्चन ही आपके दिमाग में नहीं आएगा, बिकॉज मैंने शुरू में ही कहा था घड़ी देख के कोई चीज़ें नहीं होती। जब आप एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाओगे, एक दूसरे के पसंद नापसंद को जब आप इम्पोर्टेंस दोगे, तो खुद देखोगे कि स्टेप बाई स्टेप जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो कब आधा घंटा बीत गया या फिर कब एक घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चला। और इससे सिर्फ आपकी फीमेल पार्टनर ही नहीं, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों में इंप्रूवमेंट आएगी। क्योंकि जब आप खुद को टाइम देते हो ना, तो आपकी बॉडी से ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है, आपकी ब्रेन को शार्प करता है, साथ ही साथ आपको हैप्पी, कुछ ऐसे हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये सारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो हैप्पी हार्मोन होते हैं। जब वो रिलीज होता है ना, तो आपको एक हैप्पी फील करवाता है, आप दोनों को अटैच्ड फील करवाता है, आप दोनों में बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए वक्त लग सकता है। बहुत बार फीमेल की बॉडी में ना, फीमेल को जब क्लाइमेक्स तक आप उसको पहुँचाते नहीं हो, तो उसके बॉडी से फिर वो सारे हार्मोन्स रिलीज नहीं होते और वो इंटरेस्ट फिर नहीं लेती। तो इसी वजह से टाइम दो, हर वो चीज़ उसके साथ करो जो उसे पसंद है। अगर ना बोले तो पूछो, क्योंकि भाई ये ज़िंदगी भर का सवाल है, एक दो दिन का तो है नहीं। तो एक दूसरे के पसंद नापसंद को भी जानना ज़रूरी है। और अगर आप उस पसंद नापसंद के साथ इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हो, तो घड़ी शायद आप खुद ही जान पाओगे फिर आपकी टाइमिंग क्या है। बिकॉज किसी एक दिन घड़ी को देख लेना कि मैंने किस टाइम से शुरू किया था, और जब आप ख़त्म करने के बाद घड़ी को देखोगे, तो आप खुद चौंक जाओगे भाई कि मेरा टाइम इतना देर तक था। और उस दिन ना मुझे मेल करके ज़रूर बताना कि आपका टाइमिंग क्या है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट करे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।